So hello guys. Hello guys. वो तो एक brush भेजता है इसलिए हमने कुछ भी कर लिया और ballers इसलिए हम कुछ करना चाहते हैं. यार यहाँ पे सब leave क्यों हैं मुझे पता नहीं चल रहा. सब पागल हो गए हैं मेरे ख्याल से. शायद सबको demote कर रहे हैं. ये तो kick out कर रहे हैं. इसको मैं kick out खुद कर दूँगा. बहुत kick out करने का शौक है ना इसको. तो गाइस आज हम बात करेंगे कि आपको रिवॉर्ड्स कहाँ यूज़ करने चाहिए. ठीक है. अभी क्लैन गेम्स फ्रीक्वेंटली आ रहा है. क्लैन गेम्स बहुत यूजुअल हो गया है आजकल. कुछ बड़ी बात नहीं होती इसलिए आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. अब रिवॉर्ड्स कहाँ यूज़ करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट आ रहा है जिसमें आपको मिल रहा है 3200 डार्क एलिक्सिर, 6,20,000 एलिक्सिर एंड 20 जेम्स. इसमें आपकी मर्जी आप जो लेना चाहे. अगर आपके पास डार्क एलिक्सिर कम है तो आप डार्क एलिक्सिर लीजिए और एलिक्सिर कम है तो आप एलिक्सिर लीजिए. जेम्स आप कलेक्ट कर सकते हैं इसलिए जेम्स आप ना ले तो अच्छा रहेगा और ले सकते हैं अगर आप चाहें तो. आप अब सेकेंड टायर पर आते हैं. 4,800 डार्क एलिक्सिर, 1 रिसोर्स पोशन एंड 2 ट्रेनिंग पोशन. ठीक है. तो अगर आप टाउन हॉल हाई है आपका, टाउन हॉल हाई है और आपको ट्रूप्स ट्रेन करने में टाइम लगता है तो आप ट्रेनिंग पोशन लीजिए. आपके कलेक्टर्स लो लेवल के और कम रिसोर्स देते हैं तो आप रिसोर्स पोशन लीजिए. और अगर आपके पास डार्क एलिक्सिर कम है तो आप डार्क एलिक्सिर लीजिए. ठीक है. अब थर्ड टायर पे चलते हैं. थर्ड टायर पे आपको लेना पड़ेगा 8,000 डार्क एलिक्सिर मिल रहा है, 15,50,000 गोल्ड एंड 40 जेम्स. अब जेम्स तो मैं आपको मना ही कर रहा हूँ. अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं जेम्स, ना नहीं कह रहा हूँ. अगर और अब आपके डिफेंसेस थोड़े लो लेवल के हैं तो आप गोल्ड लीजिए. और आपके पास डार्क एलिक्सिर कम है तो आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डार्क एलिक्सिर लीजिए. अब आते हैं फोर्थ टायर पे. फोर्थ टायर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट. 1 बुक ऑफ बिल्डिंग, 2 बिल्डर पोशन एंड 3 पावर पोशन. ठीक है. अगर आपका सब कुछ मैक्स नहीं है, मतलब कुछ बिल्डिंग्स मैक्स नहीं है तो आप बुक ऑफ बिल्डिंग ले लीजिए क्योंकि वो चुटकियों में एक बिल्डिंग को ख़त्म कर सकता है. उसकी जगह अगर आपके पास ज़्यादा बिल्डिंग्स है तो आप बिल्डर पोशन ले लीजिए. लेकिन बिल्डर पोशन कुछ काम नहीं आएगा. वो एक दो घंटे में सिर्फ, मतलब यहाँ 12-13 घंटे का ही काम करता है. कुछ काम नहीं आएगा. और अगर आपके ट्रूप्स लो लेवल के हैं, लो लेवल बहुत ही लो लेवल रश है, बहुत नहीं कह रहा हूँ, 1-2 लेवल कम होंगे तो भी आप पावर पोशन ले सकते हैं क्योंकि पावर पोशन आपके ट्रूप्स को लेबोरेटरी के हिसाब से मैक्स कर देता है गाइस. ठीक है. अब फिफ्थ टायर पे आते हैं. बुक ऑफ हीरोज, 24,80,000 गोल्ड एंड 24,80,000 एलिक्सिर. सो ये जरा आपके हीरोज मैक्स नहीं है. किंग क्वीन और वार्डन अगर आपके पास है तो आप एलिक्सिर लीजिए. और डिफेंसेस अपग्रेडेड नहीं है तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा गोल्ड लीजिए. और कोई हीरो अपग्रेड हो रहा हो और आपको उसकी बहुत ज़रूरत है, जल्दी से ख़त्म करना चाहते हो उसे, तो आप बुक ऑफ हीरोज़ लीजिए. लेकिन बुक ऑफ हीरोज़ लेने के लिए आपके पास डार्क एलिक्सिर बहुत होना चाहिए गाइस और एलिक्सिर भी बहुत होना चाहिए अगर आपका वार्डन है तो. ठीक है. तो अब आते हैं सिक्स्थ टायर के ऊपर. सिक्स्थ टायर में तो सब मुझे एग्री करेंगे कि आप रून ऑफ एलिक्सिर लीजिए क्योंकि रून ऑफ एलिक्सिर आपका एलिक्सिर स्टोरेज फुल कर देगा, मैक्स्ड आउट फुल. और आप रिसोर्स पोशन भी ले सकते हैं अगर आपके कलेक्टर्स 1 या 2 लेवल के हो तो. और वॉल रिंग तो कुछ काम आती नहीं है गाइज मुझे, मतलब पूरी एक रो करने में 10 नहीं यूज़ होती,
15-20 हो जाती है मेरी, और आप लोगों को भी काम नहीं आएगी। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं वो शायद मैक्स ही होंगे, मैक्सड आउट बेस लेके ही घूम रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप र्यून ऑफ एलिक्सर या फिर रिसोर्स पोशन, उसमें आपकी मर्जी रहेगी गाइस, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए मैं इतना ही, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या लिया, ठीक है। बाय एंड जय हिंद।